गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी जो है हो चुका है सुबह, मैं आ चुका हूँ छत पे। एंड आप सभी को याद होगा कल रात में जो है हमारे लॉफ्ट के अंदर गलती से एक जंगली कबूतर का बच्चा आ गया था। एंड कल हम लोग ने उसको बाहर नहीं निकाला था, आज़ाद हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि कल जो है पूरा हो चुका था अंधेरा में। उसको हम लोगों ने रख दिया था पेटी के अंदर और पेटी को और लॉफ्ट को अच्छे तरीके से कवर करके हम लोग चले गए थे नीचे। कल शाम से ही जो है वो पट्ठा हमारे पास है, उस पेटी के अंदर है। अभी जो है मैंने धूप जाल को नहीं खोला है, सोच रहा हूँ उस बच्चे को आज़ाद करने से पहले अपने कबूतरों के साथ उसको धूप जाल के अंदर खोल दिया जाए और दाना पानी डाल देते हैं। एक बार थोड़ा सा वो दाना पानी कर ले, उसके बाद उसको धूप जाल से बाहर निकाल के आज़ाद कर देंगे, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहेगा। अगर उसको बाद में कभी हमारे पास आके दाना पानी करना रहेगा तो आके कर सकता है, जैसे कि और बाकी जंगली कबूतर आते हैं हमारे छत पर दाना पानी करते हैं, वैसे भी वह भी आएगा एंड हमारे छत पर दाना पानी कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी जो है बिना कोई देरी किए जल्दी से मैं सबसे पहले तो धूप जाल खोल लेता हूँ और यहाँ से ये कपड़ा उपड़ा सब कुछ सबसे पहले हटा लेते हैं। और कल जो जंगली का पट्ठा हमारे लॉफ्ट के अंदर गलती से चला गया था, उस पट्ठे को हम लोगों ने कल रात में रख दिया था इस पेटी के अंदर, जिससे कि ये बिल्कुल सेफ रहे, यहाँ पे एकदम आराम से रह सकता है। और ये देखो गाइस, यहाँ पे ये पट्ठा जो है एकदम आराम से बैठा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। तो अभी जो है ये कपड़ा को भी सबसे पहले हम लोग बाहर निकाल देते हैं और अपने सभी के सभी कबूतरों को धूप जाल में खोल देते हैं। चलो भाई तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। ये देखो गाइस, ये निकल गया भाई, ये देखो ये चला गया। और गाइस ये था भाई जंगली का पट्ठा। मैंने तो सोचा था कि इसको सबसे पहले धूप जाल के अंदर खोल देंगे जिससे कि थोड़ा दाना पानी कर लेगा, बट जैसे गाइस हम लोगों ने खोला वैसे ही जो है ये खुद का खुद निकल के बाहर चला गया। तो चलो अच्छी बात है, अपने ये कबूतरों को खोल देते हैं। आ जाओ भाई तुम लोग। एंड गाइस लिटरली जो जंगली कबूतर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, मतलब जितना वो पट्ठा तेज़ था उसके अंदर चटक था उतना तो हमारे बड़े कबूतरों के अंदर भी तेज़ी नहीं होता। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जैसे ही मैंने पेटी का दरवाज़ा खोला और उसको निकालने का थोड़ा सा ट्राई किया, मैं सोचा भाई उसको आराम से पकड़ के यहाँ पर छोड़ दूंगा, बट जैसे ही वो बाहर निकला तुरंत यहाँ से रघु चक्कर हो गया। तो गाइस यही होते हैं जंगली कबूतर। जंगली कबूतर जो है बहुत ही ज़्यादा हम लोगों से डरते हैं, जो अपने पालतू कबूतर होते हैं वो इतना नहीं डरते। अगर मैं अभी भी ये लॉफ्ट का दरवाज़ा खोल दूँ तो कबूतर बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, ये देखो। लेकिन वो कबूतर भाई जैसे ही बाहर निकला वैसे ही तेज़ी से उड़ के चला गया। तो चलो गाइस उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी हम लोगों को उसको बाहर निकाल के आज़ाद ही करना था, बट मैंने सोचा था कि इसको आज़ाद करने से पहले थोड़ा दाना पानी करा देंगे उसके बाद आज़ाद करेंगे, बट वो खुद का खुद चला गया। तो चलो काफ़ी अच्छी बात है, वो जो है अपने लाइफ में एन्जॉय करेगा, जैसे उसको अपनी ज़िंदगी जीनी होगी जिएगा। वैसे भी जब हमारे कबूतर बाहर निकलते हैं बाहर दाना पानी करते हैं तो कुछ ना कुछ जंगली कबूतर बड़े छोटे आके इनके साथ में दाना पानी कर लेते हैं। तो अगर उस बच्चे को भी आके हमारे छत पर दाना पानी करना होगा तो कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं कि भाई हमें जंगली कबूतर पालना है, जंगली कबूतर रख सकते हैं कि नहीं, तो आज के वीडियो में उनको क्लियर पता चल गया होगा कि जंगली कबूतर कितना हम लोगों से डरते हैं। ठीक है गाइस, वो बहुत ही ज्यादा चीची करता हुआ पट्ठा था, उसके बावजूद भी बहुत ही तेजी से निकल गया। तो इसलिए गाइस मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि कभी भी जंगली कबूतर पालने के बारे में मत सोचना। इससे तो देखो क्या होता है कि अगर आप जंगली कबूतर का बच्चा या फिर जंगली कबूतर पकड़ के लाते हो तो सबसे पहले तो जंगली कबूतर काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है, बुरा मानता है, और दूसरा चीज कि वो अच्छे से नहीं रहेंगे आपके पास, चाहे आप उनको कितने भी अच्छे से रख लो। तो अगर आपको कबूतर पालने का शौक है तो आप लोग थोड़ा सा पैसा लगा के, जैसा आपके पास बजट है, आप लोग पालतू कबूतर खरीद के लाओ एंड इन्हें आप घर में पाल सकते हो, क्योंकि ये जो कबूतर होते हैं ये बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, एकदम ये फ्रेंडली होते हैं। ये लोग जब आपके सेटअप पे सेट हो जाएंगे तो उसके बाद जब आप इन्हें उड़ा भी दोगे तो ये लोग उड़ के आपके घर पे रिटर्न वापस आ जाएंगे। तो अगर आप में से किसी भी भाई को कबूतर पालने का शौक है और उसके पास कबूतर नहीं है, वो सोच रहा है कि भाई मैं जंगली कबूतर फ्री में मिल जाएगा, कहीं से भी पकड़ के ला दूंगा और मैं भी कबूतर पालूंगा, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई ये गलती कभी भी मत करना। थोड़ा सा पैसा लगा लो, लेकिन जैसा आपका बजट है उस हिसाब से 1, 2, 3 जितने कबूतर आपको लाना है वो कबूतर लाओ एंड इनका आप शौक कर सकते हो। अभी हो चुका है शाम एंड टाइम हो चुका है अपने सभी के सभी कबूतरों को धूप जाल से बाहर निकालने का। तो अभी जो है जल्दी से धूप जाल को खोलते हैं एंड अपने सभी के सभी कबूतरों को बाहर निकालते हैं। चलो भाई आओ आओ। और कुछ दिनों पहले हमारे एक नीलम कबूतर के बच्चे के पैर में दिक्कत आ गया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई अगर आपके भी किसी कबूतर के पैर में कुछ दिक्कत आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और हमारे कुछ भाई लोग पूछ भी रहे थे कि भाई आपका नीलम का बच्चा सही हुआ कि नहीं। अभी जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो बच्चा का कंडीशन क्या है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि वो बच्चा कहाँ पर है।
एक बच्चा तो यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन ये बड़ा वाला बच्चा है और ये जो है पहले भी ठीक था एंड अभी भी सही सलामत है। दूसरा बच्चा देखते हैं कहाँ गया भाई, ये रहा गाइस, ये है नीलम का दूसरा वाला बच्चा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो अभी जो है बिल्कुल ये दोनों पैरों से अच्छे से चल पा रहा है, हालांकि गाइस अभी भी ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है, एकदम हल्का फुल्का सा अभी भी इसके पैरों में दिक्कत है, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा सही हो गया है। जब इसके पैरों में दिक्कत था तब आपने इसका वीडियो देखा होगा, ये अपना दोनों का दोनों पैर प्रॉपर ज़मीन पर नहीं रख रहा था, एक पैर उठा के रहता था, बट अभी जो है ये दोनों का दोनों पैर प्रॉपर ज़मीन पर रख रहा है और सही ढंग से चल भी पा रहा है। ये देखो गया अंदर, ये देखो गाइस, ये बिल्कुल प्रॉपर अपने दोनों पैरों से चल पा रहा है, बट अभी भी हल्का फुल्का सा असर है, बट ये 2 से 3 दिनों में ये बिल्कुल हो जाएगा ठीक। अगर आपके भी किसी भी कबूतर के पैर में दिक्कत आ रहा है, वो लंगड़ा के चल रहा है, प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, तो आप भी कुछ उसी टाइप से ट्रीटमेंट कर सकते हो एंड धीमे धीमे आपका कबूतर सही हो जाएगा। इसमें गाइस थोड़ा सा टाइम लगता है, आप सोचोगे भाई 2 दिन में मेरा कबूतर सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, धीमे धीमे आपका कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कबूतर काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया है, ये देखो दोबारा से ये जो है पट्ठा बाहर आया, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरीके से सही होने में 1 से 2 दिन लगेगा। हालांकि दोनों पैरों से ये चल पा रहा है, दोनों पैर प्रॉपर ज़मीन पे रख रहा है, बट ध्यान से अगर आप जब इसे देखोगे तो हल्का फुल्का सा लगेगा कि हाँ भाई इसके पैरों में दिक्कत है, ये देखो, बट 2 दिन में ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी शाम का टाइम है, अपने सभी के सभी कबूतरों को मैंने धूप जाल से बाहर निकाला हुआ है, कुछ कबूतर इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, कुछ जाल के ऊपर बैठे हुए हैं, और भाई 1-2 कबूतर अपने उड़ना भी स्टार्ट कर दिए। एक तो ये पट्ठा है जो नीचे नीचे घूम रहा है और एक कबूतर वहाँ पे उड़ रहा है, रुको ये देखो गाइस एकदम अपने छत के ऊपर ही उड़ रहा है, बट ये उड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ही हम लोग दाना डालेंगे वैसे ही ये कबूतर भी देख के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया दाना, अभी जल्दी से चलते हैं ऊपर, आ जाओ भाई, आओ 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 ले, आओ 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 ले आओ। अभी जो है मैंने डाल दिया अपने सभी के सभी कबूतरों को दाना एंड सभी के सभी कबूतर एकदम मज़े से दाना खाने में लगे हुए हैं, और जो कबूतर हमारा यहाँ पे उड़ रहा है ये भी जो है काफ़ी तेज़ी से अभी नीचे भी आ रहा है, ये देखो ये रहा, और ये भाई देखो काफ़ी तेज़ी से अभी ये आ चुका है नीचे, और ये है हमारा कनक कबूतर। तो चलो अच्छी बात है, ये भी जो है नीचे आ चुका है, अभी जो है ये भी एकदम आराम से अपने दोस्तों के साथ में दाना पानी कर सकता है, देखो इसको, ये गया भाई दाना खाने के लिए। अभी जो है मैंने अपने सभी के सभी कबूतरों को दाना पानी डाल दिया है, ये लोग जो है दाना पानी करके हो जाएंगे अंदर। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नया हो फिर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, कोई दिक्कत आए वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।